हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी हेयर। आज हम इस वीडियो में फीटल सर्कुलेशन को समझेंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस लेक्चर में हम दो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन इज फीटल सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद फीटल सर्कुलेशन में क्या चेंजेस आते हैं। अब हम फीटल सर्कुलेशन को समझते हैं। फीटल सर्कुलेशन को समझने से पहले फीटल हार्ट के स्ट्रक्चर को समझना है। फीटल हार्ट का स्ट्रक्चर एडल्ट हार्ट के स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसे समझने के लिए यहाँ पर दो डायग्राम हैं, एक फीटल हार्ट का और दूसरा एडल्ट हार्ट। फीटल हार्ट में हमें दोनों एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग दिखाई दे रही है जो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से जोड़ रही है। इस ओपनिंग को हम फोरामेन ओवल कहते हैं और ये ओपनिंग एडल्ट में नहीं पाई जाती। हमें यहाँ पर एक डक्ट दिखाई दे रही है जो पल्मोनरी आर्टरी को अर्टा से जोड़ रही है। पल्मोनरी आर्टरी और अर्टा आर्टरीज हैं, तो इसे जोड़ने वाली इस डक्ट को हम डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं और ये डक्ट एडल्ट में फंक्शनल नहीं होती। तो अब हम समझते हैं फीटल सर्कुलेशन। प्लेसेंटा फीटस के लिए लाइफलाइन का काम करता है क्योंकि ये ग्रोइंग फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। साथ में ही फीटस के ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। इस प्लेसेंटा के सेंटर से एक कॉर्ड निकल रही है जो फीटस से कनेक्टेड रहती है और इस कॉर्ड को हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में दो अम्बिलिकल आर्टरीज और दो अम्बिलिकल वेन होती है, लेकिन 4 months ऑफ प्रेगनेंसी में राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है और अब दो अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 अम्बिलिकल वेन रह जाती है। हमें पता है कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है और वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है। तो यहाँ पर जो ये अम्बिलिकल वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से फीटस की तरफ लेकर जा रही है, यानी फीटस के हार्ट की तरफ, इसलिए इसे हम अम्बिलिकल वेन कहते हैं। और अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से प्लेसेंटा की ओर लेकर जा रही है, यानी फीटस हार्ट से दूर, इसलिए इसे हम अम्बिलिकल आर्टरीज कहते हैं। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर फीटल अम्बिलिकस में एंटर करती है और यहाँ से लीवर की तरफ जाती है और यहाँ आकर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक स्मॉल ब्रांच लीवर के साइनोसॉइड्स को सप्लाई देती है और फिर यहाँ से ब्लड हेपेटिक वेन से इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन होता है, जबकि दूसरी ब्रांच को हम डक्टस वेनोसिस कहते हैं और ये ब्रांच ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन करती है और यहाँ पर ये ब्लड इन्फीरियर वेना कावा के वेनस ब्लड के साथ मिक्स होता है। अब यहाँ से ये ब्लड इन्फीरियर वेना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम तक पहुँचता है। 2/3 ऑफ ब्लड यहाँ से फोरामेन ओवल से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है और 1/3 अमाउंट राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम इसलिए जा रहा है क्योंकि फीटस के लंग्स इमेच्योर हैं और फंक्शनल नहीं है, यानी लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि फीटस अभी मदर के वोम्ब में है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा से आने वाला सैचुरेटेड ब्लड लंग्स को बाईपास करता हुआ सीधे लेफ्ट एट्रियम में पहुँच रहा है। यहाँ सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में एम्प्टी होता है जो लंग्स को सप्लाई करती है, लेकिन हमें पता है कि फीटस में लंग्स इमेच्योर हैं और फंक्शनल नहीं है, तो पल्मोनरी रेसिस्टेंस की वजह से ब्लड का कुछ ही अमाउंट लंग्स को सप्लाई हो पाता है और ज़्यादातर ब्लड डक्टस आर्टेरियोसिस से होता हुआ अर्टा में चला जाता है क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर अर्टा से ज़्यादा है। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से कुछ अमाउंट ब्लड ड्रेन होता है और ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है क्योंकि लंग्स अभी फंक्शनल नहीं है। पल्मोनरी वेन से आने वाला ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम के ब्लड के साथ मिक्स होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रेन होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ये ब्लड अर्टा में पहुंचता है जो पहले हार्ट, ब्रेन और अपर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद डक्टस आर्टेरियोसिस के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है, फिर ये होल बॉडी को सप्लाई होता है। इन दोनों इंटरनल इलियक आर्टरीज से एक एक अम्बिलिकल आर्टरीज निकलती है जो 50-60% ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा तक पहुंचाती है और वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और वापस 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन से होता हुआ फीटस तक पहुंचता है।
चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद फीटल सर्कुलेशन में क्या चेंजेस आते हैं। बर्थ के बाद फीटल सर्कुलेशन में दो वजह से मेजर चेंजेस होते हैं, फर्स्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग एंड सेकेंड बेबी क्राइंग। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बाद प्लेसेंटा से बेबी का कनेक्शन कट हो जाता है और सबसे पहले अम्बिलिकल आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि इसके कंस्ट्रिक्ट होने से ब्लड फीटस से ड्रेन आउट नहीं होगा। अम्बिलिकल आर्टरी के कंस्ट्रिक्ट होने के कुछ देर बाद अम्बिलिकल वेन कंस्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि जिससे प्लेसेंटा से कुछ अमाउंट ब्लड फीटस में आ सके और लगभग 80 से 100 ml ब्लड फीटस में रिसीव होता है। इसी वजह से डिलीवरी के बाद डिलेड कॉर्ड क्लैंप की जाती है। बर्थ के बाद जब बेबी क्राई करता है तब लंग्स एक्सपेंड होते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। लंग्स एक्सपेंड होने की वजह से लंग्स में ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाती है और पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ जाता है और यहाँ गैसेस एक्सचेंज भी शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पर प्लेसेंटा काम नहीं कर रहा है तो लंग्स के एक्सपेंड होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में सप्लाई होता है। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है और जब हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है और यहां से हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ अर्टा में पंप होता है। पहले हमने फीटल सर्कुलेशन में देखा था कि पल्मोनरी आर्टरी में रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू अर्टा में फ्लो हो रहा था, लेकिन अब लंग्स एक्सपेंड होने से पल्मोनरी आर्टरी में रेसिस्टेंस कम हो चुका है तो अब यहाँ हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्टा से डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू से पल्मोनरी आर्टरी में ब्रैक फ्लो होता है। पहले यहाँ डक्टस आर्टेरियोसिस में सेल लो ऑक्सीजन डेंसिटी में PGE2 रिलीज कर रही थी और ये PGE2 डक्टस आर्टेरियोसिस को डायलेट रखता था, लेकिन यहाँ पर अब हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो की वजह से सेल्स PGE2 रिलीज करना कम कर देती है और जिसकी वजह से डक्टस आर्टेरियोसिस कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। साथ में ही डक्टस आर्टेरियोसिस के स्मूथ मसल्स ऑक्सीजन से हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पर हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो की वजह से भी डक्टस आर्टेरियोसिस कंस्ट्रिक्ट होता है। पहले राइट एट्रियम में प्रेशर हाई था जिसकी वजह से ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में फोरामन ओवल के थ्रू फ्लो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर लंग से ब्लड फ्लो हाई हो चुका है और जिससे लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से ब्लड लार्ज अमाउंट में आ रहा है, जिससे लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाता है। साथ में ही अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग की वजह से राइट एट्रियम में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे सेप्टम प्राइमम फोरामन ओवल को क्लोज कर देता है। पोस्टनेटल रेमनेंट्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन। बर्थ के बाद जो भी फीटल सर्कुलेशन की स्ट्रक्चर क्लोज हुई है उनमें आगे जाकर फाइब्रोसिस हो जाता है और अब ये स्ट्रक्चर एडल्ट में फंक्शनल नहीं होता है। क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज का फंक्शनल क्लोजर बर्थ के तुरंत बाद हो जाता है, जबकि फुल क्लोजर होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। अम्बिलिकल आर्टरीज का प्रॉक्सिमल पार्ट सुपीरियर वेसिकल आर्टरी बनाता है और डिस्टल पार्ट लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है। क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन का क्लोजर अम्बिलिकल आर्टरीज के क्लोजर के कुछ देर बाद में होता है। अम्बिलिकल वेन के ऑब्लिट्रेशन के बाद में लिगामेंटम टेरेस बनता है। क्लोजर ऑफ द डक्टस वेनेसिस। डक्टस वेनेसिस का फंक्शनल क्लोजर बर्थ के 5 मिनट बाद में ही हो जाता है और एनाटॉमिकल क्लोजर बर्थ के 7 दिन बाद में होता है। क्लोजर और फाइब्रोसिस के बाद में डक्टस वेनेसिस लिगामेंटम वेनेसम बनाता है। क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस का फंक्शनल क्लोजर बर्थ के कुछ मिनट बाद में ही हो जाता है और एनाटॉमिकल क्लोजर बर्थ के 1 से 3 महीने के बाद में होता है। क्लोजर और फाइब्रोसिस के बाद में डक्टस आर्टेरियोसिस लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनाता है। क्लोजर ऑफ द फोरामन ओवल। फंक्शनल क्लोजर बर्थ के कुछ समय बाद में ही हो जाता है, लेकिन एनाटॉमिकल क्लोजर बर्थ के 1 ईयर बाद में होता है। बर्थ के कुछ दिन तक क्लोजर रिवर्सिबल होता है। बर्थ के 1 और 2 आवर्स के अंदर कार्डिक आउटपुट लगभग 500 ml/min और हार्ट रेट 120-140 बीट्स पर मिनट होती है। इस वीडियो में हमने फीटल सर्कुलेशन, पोस्टनेटल सर्कुलेशन और पोस्टनेटल रेमनेंट को समझा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी टॉपिक से जुड़े MCQ देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।